प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हालत है, ये प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले में ही देख लीजिए। घायल युवक, कार के टूटे शीशे, ये तस्वीरें किसी सड़क हादसे की नहीं है, ये तस्वीरें है दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में हुई फायरिंग की। दूसरी तस्वीरें भी जोधपुर की ही है, जहां बदमाशों ने पुलिस को ही नहीं बख्शा। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत, जो कि गृह मंत्री भी है, इस घटना के बाद कह सकते हैं कि गहलोत का गृह जिला ही सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, मुख्यमंत्री के गृह नगर जोधपुर के डालीबाई मंदिर चौराहे पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना हुई। हिस्ट्री शीटर विक्रम सिंह नांदिया गुरुवार को शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में पूजा करने जा रहा था। हफ्ते भर में ही डांगियावास थाना इलाके के सालवा कला में 007 गैंग के गुर्गों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली 007 गैंग के गुर्गे अशोक जुड़ के बाएं पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कभी सत्ता में सहभागी रहे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में बात करते रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत अहम हिस्सा है गवर्नेंस का, उस पर हमें पूरी तरह काम करना चाहिए। अगर कोई कमी रही है उसको सुधारना चाहिए, लेकिन हमारी माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें, लोग अपना जीवन एक सुरक्षा के वातावरण में निर्वहन कर सकें, ये हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए और सरकार को गंभीरता से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। फिलहाल सचिन सत्ता में सहभागी नहीं है और ना ही वो सरकार के किसी कार्य पर टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश का विपक्ष तो सवाल खड़े ही कर रहा है, साथ ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भी प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग करते हुए प्रदेश में मार्च महीने में हुई घटनाओं का जिक्र किया और पूछा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब तक राजस्थान क्यों नहीं गए? राजस्थान में एक बार फिर कानून व्यवस्था की चरमराती हालत को लेकर विपक्ष गहलोत सरकार पर हमलावर है। बीते दिनों ही रेप की घटनाओं को लेकर भी प्रदेश की कानून व्यवस्था सवालों में घिर चुकी थी। अब देखना है कि अपनों के सवाल पर तो सीएम गहलोत ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, लेकिन अब लगातार विपक्ष के सवालों पर वो कोई एक्शन लेते हैं या विपक्ष पर भी वो किसी मिलीभगत का आरोप लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।